श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवत रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अथ प्रथमस्कन्ध सप्तमध्याय। सूत उवाच स्वभावे मुनिंकर चित ग्रंथरे नुहै ग्रंथित तथापि अकिंचन पणि भजन्ति गोविंद चरणि जेणु स कल भूते हरि परम आत्मा रूपे पूरी तेणु भ कति अतिरेके कहन्ति एक कुआरेके से सुक मुनि शुद्ध चेता नित्य अभ्यास हरि कथा भकत जनकर अर्थे तहार श्रम भगवते। जनंको विष्णु प्रायमणे नमै तहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरि। सुत महामुनि कहुछन्ति देखि जोगी मुनि ऋषि माने त ध्यान रे तत्पर रुहंती जेउ माने महाज्ञानी जेउ मानंकर अविद्यार गंठी खुली जाइछि एवं जेउ माने सर्वदा आत्मा रे ही चरण करंती चराचर करंती से माने ई भागवत को हेतु रहित भगवान को हेतु रहित भक्ति करंती कारण भगवान कर गुणानु गुण एपरी मधुर जे ताहा समस्त को निज आड़ आकर्षण करे। पुणी सुखदेव त भागवत भगवानंकर भक्तमानंकर अत्यंत प्रिय एवं देव व्यास देवंकर से पुत्र तेणु भगवानंकर गुण यही भली आकर्षण कला जे से यही विशाल ग्रंथ अध्ययन करिवा कु बाध्य हेले काहिंकि ना ये होचंती भक्तिर प्रतीक। भक्त का भक्ति कौन करे ना खुजे महाप्रभु केउठी केउठी सेतिपाई त एते प्रकार तीर्थस्थली आजि परिचित होईछि भक्तंक पाई। आपण देखंतु साखी गोपाल महाप्रभु कहा पाई भक्त पाई साखी दवा पाई आस्तिले सेई भली सुतदे सुखदेव हेउछंती भक्ति रवि प्रतीक सेई महाप्रभुंकर देखिले जे जानिले जे महाप्रभुंकर समस्त प्रकार गुणानुकीर्तन भागवत रे अछि मु भागवत को अध्ययन केमिति करिबिनी या भावना करी भगवत अध्ययन करथिले भागवत अध्ययन करथिले आउ समस्तंकु सुनेबा पाई मध्य भागवत कहीं श्रवण द्वारा मुक्ति हब जेतेबेले सुने सुनिले सेति पाई मुक्ति त सुनिश्चित जे कि केते जणु को मुक्ति होइथाए ना तीनि जणु किए किए ना जे श्रवण करे जे पचारे आउ जे कहे बकता श्रोता बकता जे पचारी एतिनी जानती जे तरी श्रोता जे सी तरीब बक्ता सी तरीब आउ जे पचारी सी मध्य तरीब से श्रवण द्वारा मध्य मुक्ति हब ताहा सुनी भागवत को अध्ययन करथिले सुखदेव। एबे हो सुनो विप्रजने हरिचरित सावधानी भकत परीक्षित कथा पांडुनंदनंक व्यवस्था कुरु पांडव युद्ध अन्ते वीरगमिले वीरपथे
भीमसेनर गदाबाजी दुर्योधनर उरुभाजी पलाई गला प्राण डरे लुचिला व्यास सरोवरे एमते होइला रजनी जले भाळई भय घेनी कांदई जीवन बिकळे द्रोण नंदन देखि कोळे। एही सौनक कहुछन्ति जे कि एही समस्त ऋषि माने सावधान हे सुन काहेकि ना जहाँ पाई समस्त भागवत रचना ही परिला समस्ते सुनिबा को पाइले से परीक्षितंक कथा ए परीक्षितंक कथा जे कि पांडव वंशर कीर्तिधर भावरे जन्म होइथिले पांडव वंशर शेष पांडव मध्य कुआ जाय थाए से तंकर जन्म वृत्तांत कहउछंती कुरु पांडव मध्य रे जेते बेले युद्ध हैला एई युद्ध रे कण कले ना युद्धा माने कण कले ना वीरगति पाइले आउ जे रहिले तंकर जेकी महाप्रो जेते बेले भीमंकर गदा प्रहार रे मध्य दुर्शासन रा जानु भंग करिछंती सेते बेले कौरव नंदन जेकी दुर्योधन सी मध्य कौन कला ना व्यास सरोवरे जा लुचिला लुचिला भितरे सेते बेले सी क्रंदन करुछी क्रंदन करिबा समय रे द्रोण नंदन अशस्तमांक सहित तंकर साक्षात्कार हेछी से समस्त प्रकार वृतांत सुनउछंती वृतांत सुनि सल्ला परे अशस्तमा कौन करिवे ताहा मध्य चिंता करुछंती। बोलोई राजा मुख चाही मते जे न बरिलु तुही युद्धे सकल वीर मारी ए भूमि अपांडवा करी तते शांति राजकूले अखंड अवनी मंडले सुनी बोलोई नृपवर एवे हो अपांडवा कर एवे बरिली सेनापति फेड़ तू मोहर दुर्गति एमंत कही अंधवला ताहार हस्ते जल देला। भावरे चिंतन करी कहुछंती अशस्तमा तु तो समस्तंकु वरण कलु किंतु मते बरिलु नाही मते वरण कलुनी वरण न करिबा द्वारा यदि वरण करिथांतु समस्त भावरे आजि मु संपूर्ण भावरे कण करिथांती ना समस्त युद्धंकु मु हत्या करिथांती आ निर्पांडवा करि दैथांती एई संपूर्ण कुरुक्षेत्र को आजि मते वरण कर सेते बेले तक्षणात तिलक करी दुर्योधन कण करुछंती हाथ रे जल देकी करुछ कहउछंती मुत तेबे सेनापति भावरे वरण कली वरण करी तुजा निर्पांडवा कर एते बेले मनरे शंका आसे समस्तंक घरे घरे मध्य कुरु पांडवंकर युद्ध चलुछि कुरु किए पांडव किए गोटिए आज्ञा वंशधर कौरव वंशरु पंडुसुत पंडु जन्म होइथिले तंक सहित गांधी तंक सहित धृतराष्ट्र जन्म होइथिले जेकि सही पंडु आउ धृतराष्ट्रंक भितरे गोटिए वंश कौरव वंश कौरव वंश भितरे कौन चलिला युद्ध चलिला सही भली घरे मध्य घरे घरे मध्य युद्ध चलुछि सही घरे युद्ध चलिवार कारण कौन ना धन सही धनर पाई समस्ते आज गर्वित सेथिपाई समस्ते अंध हो जाइछंती मध्य सी तो अंध थिले एवे संसार मुहरे समस्ते अंध से अंध को बाट काटिबा पाई युद्ध होची उपाय नुह महाप्रभु को यदि भजन करिवे ताहले निश्चित भावरे कण हब ना पथ सुगम होइजिबा कहीं ना आमे यदि सेई बाट रे गति करिबा
ताहले कौन हबा ना सरकारी केवल पैसा नेबे केस चलिबो डेट परे डेट गड़िबो से केवल पैसा नेबे किंतु किछ समाधान हेबनी सेथिपाई घर भितरे मध्य सेई कौरव पांडव भितरे त विभेद भाव रखंतु नाही केवल कौरव वंश भाव रे जेमिति जदि गढ़ी तोली थांते ताहले समस्तंक घर सुंदर जे सुंदरमय होई जाईथांता सेथिपाई निज आत्मीयता रखिबा पाई चेष्टा करंतु सेई कथा भागवत रे कहउछंती कौरव पांडव मध्य रे युद्ध करिबा पाई ताकु तिलक करि दे गमन करे देले जे कि जाओ निरपंडवा करि दियो। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपण माने सुनथले स्वाधिकार चैनल माध्यम रे भागवत टुंगी। आज दे समय होई जाइछि रहुचु पुनर्बार आगामी अध्याय देखा हो। जय जगन्नाथ।